मूवी बैश में आज आप देखेंगे 2024 में आई टॉप 10 बेस्ट साईफाई हॉलीवुड की मूवीज। ये ऐसी मूवीज हैं जो आपको इमेजिनेटिव और फ्यूचरिस्टिक दुनिया में लेके जाती है, जिसमें शामिल हैं एडवांस साइंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो शुरू की जाए, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10, कहानी कंटिन्यू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुई थी। एक डिटरमिंड लेडी वॉरियर और कुछ सर्वाइव्ड फेलो ब्रेव वॉरियर्स को अब अपने लोगों और सोसाइटी को एविल एम्पायर, जिसे मदर वर्ल्ड कहा गया है, उसे बचाने की जरूरत है। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। इस दौरान कुछ अनसंग हीरो सामने आते हैं। इस मदर वर्ल्ड में डिफरेंट गैलेक्सी मिले हुए हैं। इसको इंपीरियम और मिलिट्री ने थ्रेटन किया हुआ है। क्या मकसद है मदर वर्ल्ड का और लेडी वॉरियर कैसे स्टैंड लेती है, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए मूवी जिसका नाम है रेबल मून पार्ट 2 द स्कार कीपर। 2 घंटे 2 मिनट की अमेरिकन एपिक स्पेस ओपेरा फिल्म है, जिसमें एक्शन और साईफाई का बढ़िया मिक्स दिखेगा। और ये अपने पहले पार्ट यानी कि रेबल मून पार्ट 1 द चाइल्ड ऑफ फायर का डायरेक्ट सीक्वल है। स्पेशल इफेक्ट्स बढ़िया है दोस्तों, वायलेंस इसका ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। कंफर्टेबल हो तो फैमिली के साथ देख सकते हो। IMDb रेटिंग 5.2 अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 9, 2043 में सेट है इस मूवी की कहानी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिस्ट रोबोट ह्यूमंस के अगेंस्ट वॉर लीड करता है, जिसके कारण 3 मिलियन लोग अपनी जान खो चुके हैं। इसके 28 साल के बाद एक हाईली स्किल्ड काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट को इस एडवांस AI को कैप्चर करने का टास्क मिलता है। ये AI अब डिफरेंट गैलेक्सी में एस्केप कर चुका है। इस एनालिस्ट के लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला, चाहे ह्यूमैनिटी के लिए AI पे भरोसा करना ही क्यों ना हो। मूवी का नाम है एटलस। 2 घंटे की साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवी है। लीड रोल में दिखेंगी जेनिफर लोपेस। VFX और स्पेशल इफेक्ट्स एक्शन सीक्वेंस का लेवल बढ़ा के रखते हैं। फास्ट पेस कहानी ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रखती है। वॉयलेंस से कंफर्टेबल हो तो फैमिली के साथ देखो। IMDb रेटिंग है 5.6, अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 8, इस मूवी में पहले पार्ट के एंड के 5 साल के बाद की कहानी बताई गई है, जिसमें 5 साल जेल में रहने के बाद स्मॉल टाइम क्रुक और एक ट्रकिंग पिन, जिसके कारण ये क्रुक जेल में था, वो साथ में आते हैं ताकि वो एक टीन को करप्ट कॉप से बचा सकें। ये करप्ट कॉप एक क्रीपी रोबोटिक डॉग की मदद से शहर के ऐसे लोग जिनके पास पावर्स हैं उन्हें ऑप्रेस कर रहा है। इसे निपटना मौत को इनवाइट करने जैसा है। मूवी का नाम है कोड 8 पार्ट 2। तो दोस्तों, 1 घंटा 40 मिनट की कैनेडियन सुपर हीरो साइंस फिक्शन क्राइम एक्शन मूवी है। 2019 में आई मूवी कोड 8 का ये सीक्वल है। प्रीमाइस इस मूवी का बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको म्यूटेंट और रोबोटिक टाइप मूवीज पसंद है तो ये आपके लिए है। विजुअल्स वॉयलेंस के बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, फैमिली के साथ देखना अवॉइड आप कर सकते हो। IMDb रेटिंग है 5.7, अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 7, इस कहानी में एक एस्ट्रोनॉट सोलो मिशन पे जुपिटर पे जाता है। हीरो बनने का चांस और अपने फादर के किए सिन को मिटाने का मौका है उसके पास। जुपिटर पे उसे मिलता है एक जायंट एलियन स्पाइडर क्रिएचर, जिसके साथ वो पॉजिटिव बॉन्ड बनाता है और अपनी लाइफ एंड अर्थ के प्रॉब्लम्स शेयर करता है। मूवी का नाम है स्पेसमैन। 1 घंटा 49 मिनट की ड्रामा एडवेंचर से भरी हुई साईफाई मूवी है। प्लॉट कहानी का बहुत इंगेजिंग है और एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाती है। पहले सीन से ऑडियंस जुड़ जाती है दोस्तों, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। IMDb रेटिंग है 5.7, अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। नंबर 6, एंशिएंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से दुनिया को बचाने के बाद न्यूयॉर्क सिटी में वेटरन घोस्टबस्टर्स और न्यू घोस्टबस्टर्स साथ मिलके सामना करते हैं डेथ चिलिंग गॉड का। ये विल फोर्स अनलीश हुआ है एंशिएंट आर्टिफैक्ट के डिस्कवरी के बाद। इस मॉन्स्टर का एम है एक स्पेक्ट्रल आर्मी बनाने का, जिससे दुनिया बर्बाद हो सके। इन घोस्टबस्टर्स को अपने होम एंड वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है इस सेकेंड आइस एज से। मूवी का नाम है घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर। 1 घंटा 55 मिनट की सुपर नेचुरल साईफाई मूवी है, जिसमें एडवेंचर और कॉमेडी का भी मिक्स दिखेगा। 2021 में आई मूवी घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ का ये सीक्वल है। आउटस्टैंडिंग विजुअल्स के बीच फनी मोमेंट से कहानी थ्रू आउट इंटरटेन करती है। इसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। IMDb रेटिंग है 6.1, अवेलेबल है प्राइम वीडियो प्रीमियम पे, हिंदी में आप इसे देख सकते हैं। नंबर 5, कहानी है यंग लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद से परेशान है। ऐसे में वो डिस्कवर करती है कि कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुनने से वो खुद को पास्ट के टाइम में ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जहां वो अपने फॉर्मर बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक मेमोरीज को रिलीव करती है। लेकिन इन सब के बीच प्रेजेंट में एक न्यू लव है,
लड़की खुद को यस्टरडे और टुडे के बीच फंसा हुआ पाती। मूवी का नाम है द ग्रेटेस्ट हिट्स। 1 घंटा 35 मिनट की रोमांटिक फैंटेसी साईफाई फिल्म है। कॉन्सेप्ट वेल थॉट आउट एंड इंट्रिगिंग है दोस्तों। प्लॉट ट्विस्ट से कहानी कहीं पे भी लूज आउट नहीं पड़ती। फैमिली के साथ इसे आप देख सकते हो। हल्के बोल्ड एंड बिकनी रोमांटिक सीन जरूर एडेड है। IMDb रेटिंग है 6.2। अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और आप इसे देख सकते हो इंग्लिश में। नंबर 4, मेगा गॉडजिला को हराने के 3 साल के बाद अब कॉन्ग अपने न्यू टेरिटरी हॉलो अर्थ में है और अर्थ पे गॉडजिला ह्यूमैनिटी एंड जॉइंट मॉन्स्टर्स के बीच पीस कायम रखने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में साइंटिस्ट अनकवर करते हैं कुछ ऐसे एंशिएंट सीक्रेट्स जो दुनिया के बैलेंस और फ्यूचर को तबाह कर सकते हैं। प्लेनेट को सेव करने के लिए एक बार फिर कॉन्ग और गॉडजिला में एपिक बैटल होता है। इसका रिजल्ट शॉकिंग है। मूवी का नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर। 1 घंटा 55 मिनट की मॉन्स्टर फिल्म है दोस्तों, जिसमें दिखेगा शानदार एक्शन के साथ एडवेंचर और साईफाई का मिक्स भी। 2021 में आए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ये सीक्वल है और ये 2024 में अभी तक सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। विजुअल्स आउटस्टैंडिंग है एंड इक्वली थ्रिलिंग भी। फैमिली के साथ ये वॉचेबल है अगर आप कंफर्टेबल हो। IMDb रेटिंग है 6.2। अवेलेबल है प्राइम वीडियो प्रीमियम पे हिंदी में। नंबर 3, अपने प्रीवियस फिल्म के इवेंट्स के 300 साल के बाद की कहानी है ये। यंग चिंपैंजी एक वुमेन के साथ जर्नी पे निकल पड़ा है फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स को समझने। पास्ट में सिखाए गए बातों और दूसरे एप्स पे वो डाउट करता है। इस जर्नी पे ह्यूमन वुमेन के भी अपने प्लान्स हैं। मूवी का नाम है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो दोस्तों 2 घंटे 25 मिनट की साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें एक्शन के सीन्स बहुत फाड़ू हैं। 2021 में आई मूवी वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का ये सीक्वल है। सिनेमैटिक मास्टरपीस के लिए इसे जरूर देखें। ऑडियंस के सारे एक्सपेक्टेशंस को सरपास करती है ये कहानी। वॉयलेंस से कंफर्टेबल हो तो फैमिली के साथ जरूर देखें। IMDb रेटिंग है 7.2। फिलहाल ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, इसे आप जुगाड़ से हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 2, कहानी रिवॉल्व होती है कि यंग गर्ल के राउंड जिसे वॉरलॉर्ड डिमेंटस के फोर्सेस ने किडनैप कर लिया है। 10 साल तक सब कुछ झेलने के बाद अब उसे पता है कि सही समय का फायदा कैसे उठाया जाए। उसका मकसद है खुद की लाइफ और अपनी मदर के मर्डर का रिवेंज लेना। बहुत चालाकी से और रास्ते में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है उसके। मूवी का नाम है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। 2 घंटा 28 मिनट की पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी है। बढ़िया एक्शन और साईफाई इसे इस साल की फाइनेस्ट मूवी में लिस्ट आउट करती है। 2015 में आई मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड का ये प्रीक्वल है। सुपर विजुअल फास्ट पेस एक्शन सीक्वेंस मूवी का USP है। फैमिली के साथ आप इसे देखना अवॉइड कर सकते हो। IMDb रेटिंग है 7.8। अवेलेबल है प्राइम वीडियो प्रीमियम पे हिंदी में। नंबर 1, एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर देख सकता है वो ये समझ सकता है कि स्पेस और उसके अराउंड क्या हो रहा है। वो एक बार में कई सारे जगहों पर एक समय में रह सकता है। वो फ्रीमैन के साथ मिलकर उन कॉन्स्पिरेटर्स से रिवेंज लेने निकल पड़ता है जिन्होंने उसकी फैमिली को एक समय बर्बाद किया था। इन सब के बीच वो फंसा हुआ है अपने लव ऑफ लाइफ और फेट ऑफ द यूनिवर्स के बीच। मूवी का नाम है ड्यून पार्ट 2। 2 घंटे 40 मिनट की एक्शन एडवेंचर साईफाई फिल्म है दोस्तों। 2021 में आई मूवी ड्यून का ये सीक्वल है। सिनेमेटोग्राफी अमेजिंग, विजुअल्स का तो क्या ही कहने, डिफरेंट वर्ल्ड के विजुअल्स परफेक्ट हैं। वॉयलेंस का लेवल हाई है जो बहुत ज्यादा इंगेजिंग है। फैमिली के साथ देखना अवॉइड आप कर सकते हो। IMDb रेटिंग 8.6। अवेलेबल है प्राइम वीडियो प्रीमियम पे और आप इसे देख सकते हो हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और हाँ चैनल मूवी बैच को सब्सक्राइब करना ना भूल।